नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम स्कर्ट से शरारा बनाना। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको शरारा बनाना बताऊंगी। तो ये सबसे पहले मैं आपको इसके स्कर्ट दिखा देती हूँ, जो स्कर्ट से मैं आपको शरारा बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, तीन लेयर में हमारी ये स्कर्ट है, फुल इलास्टिक में है और फुल हमारा यहाँ से घेर है। तो इसको किस तरह से हम इसको शरारा बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा देती हूँ, इसका घेर। ये देखिए, नीचे से हमारे इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। तो उसकी कटिंग करने से पहले इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड हम बाहर की साइड रख के इसको सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब देखिए, इसको मैंने उल्टा कर लिया है और जो हमारी सिलाई होती है, क्योंकि इसमें हमारा एक ही सिलाई होती है साइड से, उस सिलाई को हमें पीस सेंटर में, यानी कि दोनों पल्लों का पीस सेंटर हमें यहाँ पर निकाल लेना है और इस तरह से सेट करते हुए रखना है। तो सिर्फ एक कट में मैं आपको स्कर्ट से प्लाजो बनाना बताऊंगी और बहुत आसान मेथड है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो सिलाई हमारी आ रही है वो ऊपर से नीचे तक की एक ही सिलाई है, तो ऊपर इलास्टिक वाली साइड से भी हमें इसका सेंटर निकाल लेना है और इस तरह से सेट करते रखना है हमें। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर बीस सेंटर में सिलाई को रख लिया है और कपड़े को हमें इस तरह से सेट कर लेना है, जिससे कि अंदर वाली साइड भी हमारे बिल्कुल बराबर आ जाए। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसको सेट करके रख लिया है। अब हमें यहाँ पर करनी है मार्किंग। अब मार्किंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से हमारे ये फुल इलास्टिक में है तो हमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ हम लगाएंगे यहाँ पर आसन का निशान। तो आसन की लंबाई हमें कितनी चाहिए वो यहाँ पर चेक करते हैं और कपड़े को यहाँ पर हमें चेक जरूर कर लेना है कि कपड़ा हमारा बराबर सेट है या नहीं है। तो देखिए, अगर मार्जिन चाहिए होता तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ लेते, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ आधा इंची हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 13 इंची का निशान लगा रही हूँ इस तरह से क्रॉच का, और 2 इंची का निशान हम अंदर की साइड में लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और ये देखिए, ऊपर से हम इलास्टिक के नीचे से 2 इंची छोड़ते हुए इस निशान को कुछ तिरछा इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर 1 इंची का शेप डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे आसन का निशान इस तरह से लग चुका है, सिर्फ हमें यहीं पे एक निशान लगाना है और इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे वाली जो सिलाई है उसको हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें दोनों पार्ट को अलग कर देना है, यानी कि एक जो सिलाई है उसको भी हमें कट कर लेना है, जो दूसरा पार्ट हमने सेट करके रखा है उसको भी हमें यहाँ से कट कर देना है। अब देखिए, यहाँ से अंदर वाला साइड हमारा नहीं कटा है तो इसको भी कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर कट कर लेना है। ऊपर तक कट नहीं करना है, ऊपर से इलास्टिक से 2 इंची नीचे तक हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। अब नीचे वाली साइड से भी देखिए, जो हमने 20 सेंटर से रखा था उस पार्ट को हमें यहाँ से अलग कर लेना है, यानी कि दोनों पैचों को हमें बीच से कट लगाते हुए अलग अलग कर लेना है। सिर्फ हमारे आसन की यहाँ पर मार्किंग की थी मैंने और उसकी कटिंग की है, और यहाँ से हमने जो सेंटर से मिला के रखा था उसको और जो नीचे दूसरा जो पीस था उसको यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर एक पीस रह गया है, इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पर सिलाई किस तरह से लगानी है। देखिए, दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे आमने सामने करके और यहाँ से आसन वाली साइड से एक पार्ट को मिलाएँगे आमने सामने वाले पीस को। ये देखिए, इस तरह से खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक पीस इधर का लेना है, एक पीस इधर का लेना है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर 1/2 इंची के मार्जिन से हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाले पार्ट को भी हमें सिलाई नहीं लगाना है, वो हमें आसन जोड़ने के बाद सिलाई लगानी है। देखिए, सेम इसी तरह से हमारा दूसरी साइड का आसन भी आ गया और एक साइड का हमारा ये आसन है, तो दोनों ही सिलाई हमें इस तरह से कम्प्लीट कर लेनी है। अब ये सिलाई जब हमारी कम्प्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में हमारा पाइचे एक से पाइचे की सिलाई को पकड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे 1/2 इंची। यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। देखिए, एक साइड की हमारी सिलाई आसन की ये है और दूसरी साइड की सिलाई हमारी ये है, तो दोनों सिलाइयों को मैंने इस तरह से लगा लिया है। और इन सिलाइयों को लगाने के बाद में मैंने नीचे गिदरी की जो सिलाई होती है वो मैंने लगाई है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी सिलाई लग के कम्प्लीट हो चुकी है और स्कर्ट से हमने यहाँ पर सुंदर सा एक शरारा बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल होगी। पसंद आई हो, यूज़फुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सीधा होने के बाद में कुछ इसका लुक इस तरह से आ रहा है। आप इसके पैचे देख सकते हैं, सिर्फ एक कट लगा के और यहाँ पर हमने 2 सिलाई लगा के इसको बहुत ईजीली कन्वर्ट कर दिया हमने स्कर्ट को इस तरह से शरारा में। तो आप इसका घेर भी देख सकते हैं और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए, आसन की सिलाई आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट हमारा हो गया है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।